यदि सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है तो उसके लिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं संदीप यादव, ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात किए थे, तो आज हम लोग उसके एप्लीकेशन को ही देखेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन है ये क्या होता है, जैसे मिराज हो गया, लूमिंग और कोई भी डायमंड में जो भी शाइनिंग आती है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिराज क्या होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा मिराज। मिराज क्या आता है कि जैसे अगर रेगिस्तान में अगर हम लोग कहीं चले गए तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी पेड़ होगा तो उसको उसका एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी का कोई तालाब है जिस वजह से उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। ये किस वजह से हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर पेड़ है, ये कोई भी पेड़ है रेगिस्तान में, तो और क्योंकि रेगिस्तान में जो जो रेत होती है वह दिन में काफ़ी गर्म होने की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो वायु होगी वो काफ़ी विरल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि यह एक रेयर मीडियम फॉर्म करेगी और उसकी ऊपर जो वायु रहेगी नीचे वाली की अपेक्षा काफ़ी ठंडी रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ के नीचे रेयर मीडियम होगा तो कुछ इस टाइप से आएगा। और ऊपर जाते जाते जो डेंस होती चली जाएगी कुछ इस टाइप में, क्योंकि ऊपर की जो वायु है वह ठंडी है और नीचे की गर्म है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जब लाइट रे, सपोज है कि यहाँ पर सन है, जब इस सन की लाइट रे इस पे पड़ेगी, इस पेड़ पे जब पड़ेगी तो यहाँ से जो इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यह जो है इधर आप देख सकते हैं डेंसर मीडियम है और इधर क्या है रेयर मीडियम है। तो हमको पता है कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो क्या होता है वह नॉर्मल से दूर जाती है, तो क्योंकि अब यह डेंसर मीडियम है और यह क्या होगी नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरीके से। और क्योंकि आप जैसे नीचे आते जाएंगे विरल माध्यम मिलता जाएगा तो यह दूर होती चली जाएगी कुछ इस टाइप से। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट एंगल है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वह क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा जैसे बड़ा होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इस स्टेज पर अगर आप देखें यहाँ पर जो लाइट रे है वह टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से जब वह बड़ा हो जाता है तो जो लाइट होती है वह टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो फिर उसी माध्यम में चली जाती है, और जब जाती है तो यह नॉर्मल से की तरफ झुकती है और व्यक्ति को ऐसा लगता है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको ऐसा लगेगा कि लाइट रे इधर से आ रही है यहाँ से, क्योंकि ऐसा नेचर है लाइट का कि वह स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यह लाइट रे कुछ कहीं यहाँ से आ रही है यहाँ से। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इस ट्री का वह उल्टा बनेगा, इसकी इमेज उल्टी बन जाएगी तो कुछ इस टाइप से। तो इसलिए हमको जो पेड़ होगा वह उल्टा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। अगर आप देखें कोई भी अगर रोड है हाईवे वगैरह तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ दूर पर ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, जैसे वहाँ पर जाएंगे तो कुछ नहीं होता। तो ये हो गया मिराज।
अब हम लोग बात करेंगे लूमिंग की। लूमिंग क्या होती है? लूमिंग ये जो भी ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पर बर्फबारी वगैरह ज्यादा होती है, समुद्र वगैरह जहाँ पे रहता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो एयर होती है, क्योंकि वहाँ समुद्र वगैरह की वजह से एयर वहाँ की ठंडी रहती है और उसके अपेक्षा जो ऊपर की जो एयर रहेगी उसके अपेक्षा गर्म रहेगी, तो इसका मतलब नीचे वाली जो एयर होगी वह डेंस होगी और ऊपर वाली रेयर होगी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे लूमिंग में हम लोग देख सकते हैं, लूमिंग में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक नाव है, यहां पर मान लीजिए कोई एक नाव है, जैसे मान लीजिए ये कोई नाव है, कुछ इस तरह से कोई नाव है, यहाँ पानी भरा पड़ा है, समुद्र है ये, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्योंकि यहाँ पर जो एयर होगी ये काफी डेंस होगी, तो ये जो एयर होगी काफी डेंस होगी और ऊपर धीरे धीरे क्या होगी, रेयर मीडियम फॉर्म होगा, ये जो है काफी डेंस होगी और इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो एयर होगी वो रेयर होती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर की जो वायु है वह ठंडी है। तो अब हमको पता है कि जब कोई रे लाइट रे अगर वह रेयर से और डेंस में आ रही है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। कुछ इस टाइप से है। तो जब कोई लाइट रे यहाँ पर पड़ेगी यहाँ पर, तो ऐसा क्या होगा कि जैसे लाइट रे यहाँ पर पड़ी तो आप अब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अब देखिए डेंस से इधर जा रही है रेयर मीडियम की तरफ, तो ये क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी, तो कुछ इस टाइप से जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब यह इंसिडेंट एंगल जब क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि लाइट फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जब इसके पड़ेगी तो इसको ऐसा लगेगा कि ये जो जहाज है या जो नाव है ये यहाँ वायु में कहीं उल्टी प्रतीत दिखाई देगी। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो अब देखिए एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि जब यह जो एंगल है इंसिडेंट एंगल जब वो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट होकर जब इस व्यक्ति पे आती है तो क्या होगा कि अब इसको ऐसा लगेगा कि ये जो जहाज है वो इसकी इमेज यहाँ पर इसको बनेगी इसकी आंखों पर, तो इसको ये जो जहाज होगी यह उल्टी दिखाई देगी, यहाँ पर उल्टी दिखाई देगी। ये अक्सर ये ठंडे प्रदेशों में होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई कांच है और उसमें पानी भरा पड़ा और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो काफी चमकीली दिखाई देती है, तो ब्राइटनेस ऑफ टेस्ट ट्यूब इन वाटर, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक बीकर है, और इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, और ये क्या है, ये ग्लास है और इसके अंदर पानी है और एक टेस्ट ट्यूब हमने डाल दिया है, ऐसे टेस्ट ट्यूब है, तो क्या होगा कि जब कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी इसमें जब पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कांच और वायु का जो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल ग्लास और एयर के बीच, एयर के लिए कितना आता है 41 डिग्री 49 मिनट होता है, ये क्या होता है क्रिटिकल एंगल होता है इन दोनों के लिए। जब कोई क्रिटिकल जब इंसिडेंट एंगल जब वह क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और टोटली रिफ्लेक्ट होने की वजह से इधर का जो कुछ पोर्शन जो ये
टेस्ट ट्यूब होगी, वह हमको चमकीली दिखाई देगी। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखे देख रहा है यहाँ से, तो उसको इधर वाला जो पोर्शन होगा ये काफी सिल्वर की तरह चमकीला दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसमें जब कोई जब इंसिडेंट एंगल वह क्रिटिकल एंगल से जब वह बड़ा हो जाता है तो लाइट जो होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और टोटल रिफ्लेक्ट होने की वजह से वही जो पोर्शन होता है वो हमको काफी चमकीला दिखाई देता है। तो अगर मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये तो पहले इसमें हवा भरी थी, मतलब कुछ नहीं था, इसका मतलब एयर थी। अगर इसी में अगर हम लोग पानी भरते इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या ये चमकीली दिखाई देगी? तब ऐसा नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये टेस्ट ट्यूब हमको चमकीली नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो जब यह खाली रहेगी तभी हमको चमकीली दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अब हम लोग बात करते हैं जो डायमंड होता है उसमें शाइनिंग क्यों आती है। शाइनिंग इन डायमंड, देखिए डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वह 24 डिग्री होता है। 24 डिग्री होने की वजह से ये काफी कम एंगल होता है, तो जो भी लाइट रे डायमंड के अंदर जब जाती है तो वह ज्यादातर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही वो इंसिडेंट एंगल होता है, तो ज़्यादातर वह रिफ्लेक्ट होती है। जब टोटल रिफ्लेक्ट होती है तो हमको क्या दिखाई देता है? काफ़ी वो चमकीला, काफ़ी उसके अंदर शाइनिंग दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर मान लीजिए और वही लाइट बाहर निकल पाएगी जो 24 डिग्री एंगल से कम एंगल बनाएगी। अगर मान लीजिए कोई एक मान लीजिए डायमंड है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है यह होता है 24 डिग्री। जब लाइट रे 24 डिग्री एंगल से जब वह ज़्यादा बनाएगी तभी जाके इसके अंदर काफ़ी रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे इसी में होता रहता है। तो ऐसा होने की वजह से, क्योंकि सभी प्रकाश जो होता है जो भी जाता है लाइट पे वो पूरा नहीं निकल पाता है, केवल कुछ ही, क्योंकि सभी दिशाओं में जब वह प्रकाश जाता है और पूरा निकल नहीं पाता, और कुछ ही दिशाओं से केवल निकल पाएगा, वही प्रकाश निकलेगा, वही लाइट रे निकलेगी जो 24 डिग्री एंगल से जब वो कम रहेगा वही निकलेगा, नहीं तो ज़्यादातर इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब बाहर से देखें जिस तरफ से जो प्रकाश जो दिखाई देगा वो हमको काफ़ी चमकीला दिखाई देगा। इसलिए जो डायमंड होता है इसमें काफ़ी शाइनिंग पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप घरों में देखें हुए जो कांच होता है, खिड़कियों में जो कांच लगा रहता है उसमें क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए किसी वजह से अगर टूट टूट गया तो उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, तो जो दरारें होती है वो काफ़ी चमकीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कांच होता है जब वह दरारें होती हैं उसके अंदर हवा भर जाती है, और लाइट जब वह कांच के पे जब पड़ती है तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो उसके अंदर जो हवा भरी रहती है उसके अंदर नहीं जा पाती है, और केवल कांच से ही जो उसका जो सरफेस होगा उससे टोटली वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए हमको जो कांच जो टूट टूट जाता है तो उस पर अगर कोई लाइट रे पड़ती तो काफ़ी चमकीला दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका यूज़ एक ऑप्टिकल फाइबर के रूप में होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि इसमें एक टाइप की यह पाइप होती है जो क्वार्ट्ज की बनी रहती है। इसमें क्या होता है, जब कोई लाइट रे जाती है या टोटली ज़्यादातर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वह लाइट बाहर निकल जाती है, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, बहुत कम ही एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जो भी ऑप्टिकल फाइबर एक टाइप की पाइप है, वह कुछ मान लीजिए कुछ इस टाइप से है यह पाइप, ये जो बना रहता है, ये जो पाइप है ये क्वार्ट्ज की रहती है, और क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.7 होता है। क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं कि एक 1.5 जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास का अगर देखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है,
तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा उससे यहाँ पर पॉलिश कर दी जाती है, इस तरीके से यहाँ पर पॉलिश कर दी जाती है। और इसका ये जो अंदर वाला जो भाग होता है, ये वाला जो पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक। तो जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इस कोर की अपेक्षा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्वार्ट्ज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 1.7 और इधर कितना है 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब कोई लाइट रे, मान लीजिए अगर यहाँ से लाइट रे गई, ठीक, जब वह जाएगी, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, वह यहाँ से चली गई, इसको मिटा देते हैं, यहाँ गई और फिर यहाँ से यह ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता रहता है और फिर यह ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो इसका क्या यूज होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग अगर कोई भी सिग्नल अगर लाइट के थ्रू भेजते हैं तो इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, नो एनर्जी लॉस। कोई भी एनर्जी इसमें लॉस नहीं होती है और इससे हम लोग इसका यूज मेडिकल क्षेत्रों में भी किया जाता है। और कोई भी जो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उनको क्या करते हैं, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको बाय इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू आप अगर भेज देंगे तो कोई भी इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता है। और ध्यान रखिए इसकी जो ये जो पाइप होती है इसकी मोटाई पता है कि इसकी मोटाई होती है 10^-4 मीटर और ये काफ़ी लंबी पाइप होती है। तो इसका यूज इन सभी मतलब मेडिकल क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं, मेडिकल क्षेत्रों में इसका यूज होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।